लेकिन जब नतीजे आए और नतीजे अच्छे आए तो मन में लड्डू फूटने लग गए और मन में इच्छा हो गई कि अब मुख्यमंत्री बनना है, पीठ पर छुरा भोंक दिया। लेकिन हमारे पालघर में साधुओं के साथ जो बर्ताव हुआ, उद्धव हिंदू सम्राट के बेटे सीबीआई को इंक्वायरी थमाने से पीछे हट गए, एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर के क्या हो गया था, तीन तीन दुकानें खुल गई, तीन तीन दुकानें, पहले शिवसेना को दो यानी उद्धव को दो, उनके यहां जाइए, वहां माथा टेकिए, फिर कांग्रेस में माथा टेकिए, फिर एनसीपी में माथा टेकिए, माथा टेकते टेकते माथा ही झुक गया। मैं यहां आपके साथ बहुत सी बातें कर रहा हूं, आप कहोगे मेरे महाराष्ट्र की बात करो, मैं आपको कहना चाहूंगा अभी पिछले महीने की 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, 11 तारीख को, और उन्होंने यहां पर 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, 75,000 करोड़। यह है महाराष्ट्र बदलता महाराष्ट्र। उसी तरीके से नेशनल रेल प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया, उसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, इसमें 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया, नाग रिवर के लिए पोल्यूशन एबेटमेंट के लिए 1925 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया, और उसी तरीके से वंदे भारत नागपुर से बिलासपुर चलाई गई, और उसी तरीके से नागपुर मेट्रो फेज वन, इसमें 8650 करोड़ रुपए खर्च करके फेज वन की शुरुआत की और 6700 करोड़ का फेज टू का शिलान्यास कर डाला। यह बदलता हुआ नागपुर खड़ा किया, यह बदलता हुआ हमारा महाराष्ट्र को खड़ा किया गया। उसी तरीके से हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग जो 520 किलोमीटर का है नागपुर से शिरडी, उसका भी इनॉग्रेशन किया, उसका भी उद्घाटन किया, और साथ ही साथ 701 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मैं ये आंकड़े गिना रहा हूं मित्रों, कोई कांग्रेसी इस तरीके से आंकड़े गिना सकता है क्या, गिना सकता है क्या, कोई बता सकता है इस तरीके से? ये मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना, जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये ताकत पैदा हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और उसी तरीके से पिछले महीने की 18 तारीख को नितिन जी ने 8 नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया, 1800 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यह भी 492 करोड़ रुपए का, इसका भी राजनांदगांव पुणे में इसका भी अप्रूवल जो है वो अप्रूवल मिल गया है, और इसमें 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस क्लस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में, और इसके साथ साथ इसमें लगभग 5000 लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी और लगभग 50,000 लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी, यह इसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं नरेंद्र जी की और देवेंद्र जी के डबल इंजन की बात करूं तो एक नहीं बहुत से कार्यक्रम हुए। अगर वाइब्रेंट गुजरात है तो मैग्नेटिक महाराष्ट्र, और मैग्नेटिक महाराष्ट्र के लिए आप लोगों ने काम किया। उसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में, जब से आपकी सरकार आई है, फिर से जब से, मैं तब नहीं बता रहा हूं जब वो अगाड़ी की पिछाड़ी सरकार थी, अगाड़ी की पिछड़ी सरकार थी, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं जो आपकी सरकार आई है, 3,75,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए एक नहीं अनेकों काम को विकास के दृष्टि से जोड़ने का काम किया है। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से काम हैं जिनको पूरा किया गया। अगर मैं चंद्रपुर की बात करूं तो मुझे खुशी है कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता देने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, ये ट्राइबल बेल्ट है। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान में जाकर के सिकल सेल की चर्चा की थी, दुनिया के मंचों पर उन्होंने चर्चा की थी। आज मुझे खुशी है
कि उसका रिसर्च सेंटर और सैटेलाइट सेंटर भी अगर बना है तो चंद्रपुर में बना है और उसके लिए भी काम हो रहा है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 2000 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट चंद्रपुर के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 35 सड़कें बन रही हैं और 223 किलोमीटर वे 170 करोड़ रुपए का खर्च जो है वह अभी तय हुआ है। मित्रों, मैंने आपके सामने एक तरीके से विकास की कहानी आपके सामने रखी है, आपको बताने का प्रयास किया है। देश, प्रदेश, चंद्रपुर, हर जगह अगर विकास की कोई कहानी लिखी गई है तो वह कमल के निशान के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ लिखी गई है। इस इलाके की उपेक्षा की थी कांग्रेस के लोगों ने, विदर्भ इलाका उपेक्षित था, कोई काम नहीं होता था, कोई विकास नहीं होता था। आज मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं, आज मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं। कभी आपने सोचा था कि नागपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आएगा? कभी कल्पना की थी? आप या तो मुंबई जाते थे या दिल्ली जाते थे इलाज के लिए। आज विदर्भ के लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उनका इलाज विदर्भ में ही हो जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसलिए विकास की दृष्टि से जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप छाती ठोकर के जनता के बीच में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है और विकास पुरुष का नाम नरेंद्र मोदी है, या आप डंके की चोट पर कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे दुख होता है कि महाराष्ट्र, जो अपनी जवान के लिए जाना जाता था, जो अपने शौर्य के लिए जाना जाता था, जो वीरता के लिए जाना जाता था, आज वहां सत्ता के लालच में आकर शिवसेना, उस समय की उद्धव की शिवसेना ने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच के कारण पीठ पे छुरा भोग करके उन लोगों का साथ दे दिया जिनके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहब देवरस सारी जिंदगी लड़ते रहे, उनके साथ जाकर के मिल गए यह परिस्थिति ला करके खड़ी। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या? मित्रों, मैं कई बार ताज्जुब करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर, देवेंद्र भाई मंच पर, वहां चर्चा हो रही है दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में नरेंद्र देवेंद्र, और शिवसेना के उस समय के उद्धव के सारे लोग बैठे हुए हैं चुपचाप, हामी भरते थे। लेकिन जब नतीजे आए और नतीजे अच्छे आए तो मन में लड्डू फूटने लग गए और मन में इच्छा हो गई कि अब मुख्यमंत्री बनना है, पीठ पर छुरा भोग दिया। लेकिन सच्चाई ये होती है, एक बात ध्यान रखना, राजनीति में सच्चाई की तरफ ही सत्ता मुड़ती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो अननेचुरल अलायंस होता है वो अननेचुरल होता है, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। और मुझे ताजुब होता है कि ऐसी सरकार आई कि आपने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, गणेश उत्सव बंद कर दिया, दही हांडी के कार्यक्रमों को रोक दिया, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए महाराष्ट्र, जो विकास के दृष्टि से और संस्कृति से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र था, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उन लोगों के साथ खड़े हो गए जिन लोगों ने भारत के राजनीति में संस्कृति को समझने से इनकार किया था, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े हो गए। इसलिए आपको पता है कि उनको जो मुंह तोड़ जवाब मिला वह भी आपके सामने है। आज आपकी सरकार बनी है, आज एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी पूरी मजबूती के साथ महाराष्ट्र को विकास के आगे ले जा रहे हैं और इसको आगे ले जाएंगे, और हम लोगों को पूरी ताकत से आगे बढ़ना है और महाराष्ट्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़नी है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन हमारे पालघर में साधुओं के साथ जो वर्ताव हुआ, उद्धव हिंदू सम्राट के बेटे सीबीआई को इंक्वायरी थमाने से पीछे हट गए, एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर के क्या हो गया था?
भ्रष्टाचार ऐसे करने लगे, तीन तीन दुकानें खुल गईं, तीन तीन दुकानें। पहले शिवसेना को दो, यानी उद्धव को दो, उनके यहां जाइए, वहां माथा टेकिए, फिर कांग्रेस में माथा टेकिए, फिर एनसीपी में माथा टेकिए, माथा टेकते टेकते माथा ही झुक गया, यह स्थिति ला करके खड़ी कर दी।